दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो प्रोडक्ट है ये है एक हैंड ब्लेंडर, केंट के तरफ से आता है ये। तो दोस्तों देखते हैं कैसी क्वालिटी है इसकी और क्या क्या पर्पस सॉल्व कर सकता है ये। तो कुछ ऐसे पैकिंग में आता है, इसके ऊपर एक और इसकी अपनी पैकिंग होती है और उसके अंदर ये थर्मोकोल के अंदर ये लग कर आता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक मेन यूनिट मिलता है हैंड ब्लेंडर का और साथ में एक ये वारंटी कार्ड। संभाल के रखें इसको, काम की चीज़ है ये। तो दोस्तों ये हमारा मेन यूनिट है और इसकी जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है ये। और जो इसमें अंदर खासियत है, ये डिटैचेबल पार्ट्स में आता है, ये आप इसको ऐसे अलग कर सकते हैं कि ताकि जब आपको इसको धोना हो, साफ़ करना हो, तो काफ़ी आसानी से ये काम आप कर सकें बिना मोटर को नुकसान पहुंचाए हुए। और इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। इसको लगाना भी बहुत आसान है, बस एक बार आप ऐसे क्लिक करें और ये अंदर लग जाता है पुश करके। तो इसका एक ओवरव्यू देख लें, ये वायर है इसकी केबल ऊपर, इसके आपको ये जो है स्पीड कंट्रोल करने के लिए मिलता है। इसका एक मैं फ़ायदा नुकसान दो बताता हूँ। ये आपको ना मतलब थोड़ा सा ना टेक्टाइल फील नहीं दे रहा मुझे, जो लग रहा है जैसे आप ये देखो ऐसे घूमता जा रहा है। ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना, पॉइंट ऐसे कट पूरी आवाज़ आया जैसे रेगुलेटर में होती है, तो थोड़ा सा फील होता है हाँ चलो ये चेंज हुआ, अब ये बीच में ही अटका हुआ है या क्या है, मतलब थोड़ा सा ना वो मुझे सही नहीं लगा इसकी फील। मतलब जो एक टच एंड फील आता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं लगा। दूसरा इसका यहाँ से पावर ऑन ऑफ बटन, बेसिकली और आप इसको दबा के रखेंगे तो इसके जो पंखी है वो चलता है। और ये टर्बो बटन है, इसको अगर मैक्स स्पीड पे यूज़ करना है तो आप टर्बो पे, जो मैक्स स्पीड इसकी आती है वो 400 वाट की है, जो आप अगर इसको मैक्स पे चलाएंगे टर्बो चलाएंगे तब ये 400 वाट आपका कंज्यूम करेगा, अदरवाइज स्पीड के हिसाब से ये कम करेगा। दूसरा आप यहाँ आपने बताया मैंने यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हैं और इसको धोने के यूज़ कर सकते हैं शाफ्ट को। और इसमें जो ब्लेड देखेंगे आप, ये ब्लेड देखिए काफ़ी बढ़िया सा ब्लेड है ये स्टेनलेस स्टील का और अच्छा है ये, काफ़ी मुझे देख के यूज़फुल सा चीज़ है ये। इसमें आप देखेंगे कैंट के पीछे तो कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, 400 वाट का है, 230 वोल्ट का चलता है, सितंबर 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। सो ये रहा प्रोडक्ट और काफ़ी यूज़ है इसके। आपको कुछ ग्राइंड करना हो, जो काम मिक्सी में बड़े लेवल पे होता है ये आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं, जैसे शेक बनानी है छोटा सा ग्लास में, मतलब आपने उसमें लिया और शेक करने के लिए दो तीन ग्लास बनाने, तो आप मिक्सी में डालो फिर वो पूरा जार गंदा होता था, फिर वो धो से अच्छा है बस आपको इतना सा पार्टी धोना पड़ेगा। आपको प्यूरी बनानी हो, टमाटो का कुछ भी करना हो, सब्जी मैश करनी हो, पोटैटोज पाव भाजी इन सब के लिए करना हो, कुछ भी हो तो आप इसको बड़े आराम से इसके साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स भी आपको क्रश करने हो, खीर वीर और इन सब में डालने के लिए, तो वो भी आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हो। 400 वाट मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशेंट वोल्टेज है और पावर जो देगा डिलीवर करेगा सफिशेंट है आपके छोटे मोटे और रेगुलर चीज़ों को करने के लिए। एक मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको पानी के बोल में डाल के कि कितना थ्रो है और आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, आप अगर ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो वो आपके ऊपर छींटे भी पड़ जाते हैं। तो रिकमेंडेड होता है कि पहले आप इसको ना अंदर उसके अंदर डुबा कर स्टार्ट करें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा बोल आ गया और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको वायर इसकी लगा ली है, इसकी वायर मैंने कनेक्ट कर ली है और अब मैं इसको दिखाऊंगा, जैसे पावर है आप इसकी पावर को देखें, अभी मिनिमम पे है और जैसे पावर बटन ये आप दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा और जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँ, हम मान लीजिए मैंने इसकी आधी स्पीड कर दी है, अब स्पीड देखिए इसकी, और अब मैं इसको फुल स्पीड पे कर रहा हूँ 400 वाट पे और इसकी स्पीड देखते हैं। तो इसको अगर एक बार हम डाल कर देखें, अगर आप इसको स्टार्टिंग में जैसे ऐसे है चलाते हुए और ऐसे चलाकर और अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये छींटे ऊपर देंगे। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप इसको पहले अंदर ऐसे डुबा दें, उसके बाद इसको आप चलाएं। ये देखिए पावर इसकी बहुत ज़्यादा है,
अगर मैं टर्बो पे चलाऊंगा तो सारे आप समझिए ये मिनिमम पे चल रहा है और इतनी तेज़ पावर में ये पानी फेंक रहा है बाहर, तो आपको बहुत ही आराम से और सही से इसको यूज़ करना है। अगर मैं टर्बो पे चला दूँ इसको, ये देखिए पूरा पानी फेंकने लगा ये। सो दोस्तों, और दूसरी मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें जो आपका जो पानी का जो आप इसको सबमर्ज करेंगे तो वो यहाँ से ऊपर नहीं आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर इस एरिया में पानी गया तो चांसेस हैं, कंपनी कहती है कि मोटर ख़राब हो सकता है, तो आपको इसको बिल्कुल ड्राई रखना है कंप्लीट। और जो धोने का पार्ट है, जो पानी या फिर जो मटेरियल्स लगने चाहिए, वो इसी पार्ट पे लगने चाहिए। सो स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। 1300-1400 के अराउंड मिल जाता है, कई बार प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, कभी 1600, कभी 1500, कभी 1400 ऑफर में 1300-1300 रुपये में भी मिले हैं। तो मैंने 1400 रुपये में ख़रीदा था इसको अमेजोन से, तो बिल्कुल दोस्तों रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसको ख़रीदें और अपने घर में खाने पीने के काम में इसको यूज़ करें और अपनी सेहत बनाएं। थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।